बाराबंकी में जहरीली शराब का कहर जारी। थाना रामनगर के रानीगंज के आसपास के गांवों में बीते 48 घंटे में जहां जहरीली शराब पीने से लगभग 2 दर्जन लोगों की मौत हुई, वहीं कई दर्जन लोग विभिन्न अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं रानीगंज में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को खोने वाले बाकी बच्चे अन्य भाइयों और महिलाओं ने शराब बिक्री पर काफी नाराजगी जाहिर की। भारी संख्या में इकट्ठा लोगों ने शवों को अंतिम संस्कार के बाद प्रदर्शन कर शराबबंदी की मांग उठाई। 3 जवान बेटों और पति को खोने वाली महिला मालती देवी ने बताया कि यदि शराब बंद हो जाए तो शायद ऐसी घटना ना हो। मृतक छोटे लाल रिश्तेदारों व परिजनों ने मृतकों के अन्य सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी की सरकार से मांग की है। पेश है बाराबंकी के संवाददाता अखिल अंसारी की खास रिपोर्ट। अब बंद हो जाए भैया। अभी आज हमारा भी पति मर चुका है 2 साल पहले दारू की वजह से। हम बाराबंकी में रह रहे अपने बच्चों को मजदूरी करके पढ़ाने का। सर हमारा लड़का बंद मर गया बच्चा। इसलिए गुजारिश है कि यहाँ से दारू बंद करा दीजिए। आप लोगों से बहुत विनती है, ये तो हम जान सकते हैं जितना दर्द होता है अपनों से बिछड़ने का, और ये हमारी जिठानी है। बंद हो उत्तर प्रदेश से शराब, बंद हो उत्तर प्रदेश से शराब, ये बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। शराब खत्म हो जानी चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं बिकना चाहिए, उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो। हम लोग यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। कभी कुछ नहीं होना, कभी नहीं बिकनी चाहिए, कभी बिकनी ही नहीं चाहिए। दारू बिल्कुल बंद हो जाए, शराब कुछ कोई शराब नहीं बिकनी।